सो गाइस दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए बीएन वीडियो एडिटर ऐप के अंदर आप ट्रेंडिंग फोटो वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और सीधा चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूं बीएन एडिटर ऐप के अंदर। तो बीएन ऐप पर आने के बाद आपको नीचे प्लस आइकन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहां से अपना जो पिक्चर है सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहां से मैं अपना सारा पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूं। सो फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आपका पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने अपना पिक्चर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एरो का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। सो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सारा पिक्चर आ चुका है बीएन एडिटर ऐप के अंदर। सबसे पहले इस ऐप के अंदर एक वाटरमार्क आता है, सो आप देख सकते हो ये जो आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रहा है इसके अंदर वाटरमार्क आता है। तो आपको क्या करना है, डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर लेना है। सो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टाइम लाइन आप इसे जूम कर लेंगे इस तरीके से। सो पूरा जूम कर लेना आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहां से अपना म्यूजिक ऐड कर लेंगे। तो मैं यहां से अपना म्यूजिक ऐड कर लेता हूं। सो म्यूजिक आप यहां से प्ले करके सुन सकते हो और चूज के ऊपर क्लिक करके आप अपना म्यूजिक ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहां पर टिक मार्क का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका म्यूजिक आ चुका है, आप देख सकते हो। अभी आपको अपना जो म्यूजिक है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलता है बीट्स, सिंपली बीट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने म्यूजिक पर बीट ऐड कर लेंगे। सो यहाँ से प्ले करेंगे और जहाँ पर भी म्यूजिक का बीटर है वहाँ पर आपको इस तरीके से बीट ऐड कर लेना है। सो मैं यहाँ से इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ। सो कुछ इस तरीके से आप म्यूजिक का बीट ऐड कर लेंगे। सो नीचे जो आपको रेड आइकन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके म्यूजिक पर बीट ऐड हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना जो म्यूजिक उस पर बीट ऐड कर लिया। उसके बाद नीचे टिक मार्क का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जहाँ पर भी आपने पिन किया था वहाँ पर आ चुका है। सो जहाँ पर भी म्यूजिक का बीट है वहाँ पर आपको कुछ इस टाइप के एक डॉट देखने के लिए मिलेगा। सो अभी आपको अपना ये जो पिक्चर है स्टार्टिंग है जो पिक्चर, इसका टाइमलाइन आपको बिल्कुल छूटा कर लेना है और अभी आपको अपना सारा पिक्चर जो है उनका टाइमलाइन म्यूजिक बीट के साथ मैच करना है इस तरीके से। सो कुछ इस तरीके से आप बीट की जहाँ पर म्यूजिक का बीट है उस पॉइंट पर जाना है और अपना जो फोटो है उसका जो टाइमलाइन आपको बिल्कुल छूटा कर लेना है म्यूजिक बीट के साथ, आपको ये चीज़ मैच करना है। सो आप यहां पर देख सकते हो और देख के आप पता लगा सकते हो कि किस तरीके से म्यूजिक के बीट के साथ फोटो को मैच किया जाता है। सो ये चीज़ आपको करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अगर आप परफेक्ट तरीके से करते हो तो नेक्स्ट लेवल का आपका वीडियो बन जाएगा। सो कुछ इस तरीके से हमें करना होगा। सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर म्यूजिक बीट के साथ फोटो का टाइमलाइन मैच कर लिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो पिक्चर है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलता है एफएक्स, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको बिल्कुल एंड पर आ जाना है। यहाँ पर आपको मिलता है स्पिन डाउन, सिंपली आपको स्पिन डाउन के ऊपर क्लिक करना है और उसका सिंपली कर देना है डन एंड उसके बाद अगला जो पिक्चर उस पर आना है और यहाँ से आपको ये मिलता है लैंडिंग स्पिन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको आपको अपना पूरा फोटो पर अप्लाई कर लेना है। सो इसी तरीके से आप एफएक्स पर आके यहाँ से आप इफेक्ट्स को अप्लाई कर लेंगे कुछ इस तरीके से। सो जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सभी फोटो पर इफेक्ट अप्लाई कर लिया। उसके बाद आपको नीचे टिक मार्क का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है टैप टू एसटीके स्लैश पीआईपी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वीडियो स्लैश फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से आप एक इफेक्ट ऐड कर लेंगे। सो इस इफेक्ट का जो लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहां से आप जो इसको ऐड कर लेना। तो ये कुछ इस टाइप का है। सो आप इसे इस तरीके से ऐड कर लेंगे पूरी स्क्रीन पर। उसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, सो ब्लेंडिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको सिंपली कर देना स्क्रीन एंड उसके बाद सिंपली कर देना डन। सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो प्ले का आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने वीडियो एडिटिंग कर लिया। सो बहुत ही कम टाइम के अंदर आप कुछ इस टाइप का वीडियो एडिटिंग कर सकते हो बीएन एडिटर ऐप के अंदर। सो आप देख सकते हो। सो अगेन मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ये बोलते हो
कि मैं अपनी वीडियो पर प्रीव्यू नहीं दिखाता हूँ। सो ये रहा प्रीव्यू, आप देख सकते हो। सिर्फ इस प्रीव्यू के अंदर आपको म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना माइक कनेक्ट करके रखा हूँ। तो वीडियो आपने एडिटिंग कर लिया, अभी आपको अपना वीडियो सेव करना है, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो सीधा आपकी गली के अंदर सेव हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।